हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अभी तक हमने ये देखा था कि वन जीन जो है वो जब इनहेरिट होती है तो क्या हमें रेशो मिलता है। उसी के अकॉर्डिंगली जो रॉजर जॉन मेंडल थे, उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। और अब हम बात करते हैं कि जब दो जीन्स एक साथ इनहेरिट होती हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पर आपको क्या रेशो मिलेगी। और इसके अकॉर्डिंगली मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया था, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया था, और बेसिकली उसने पाइसम सेटाइवम को सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर उसने जो दो पी प्लांट्स क्रॉसिंग के लिए लिए थे, उनके जो करेक्टर्स थे वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे। जैसे एक पी प्लांट उसने लिया जिसमें येलो कलर था सीड्स का, और सीड्स की जो शेप थी वो राउंड थी। और जो दूसरे सीड्स उसने लिए वो ग्रीन कलर के थे और उनकी शेप रिंकल थी। तो मेंडल ने यह देखा था कि जब इन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस करवाया गया तो जो F1 जनरेशन बनी, उस F1 जनरेशन में सारे सीड्स येलो कलर के थे और राउंड शेप्ड थे। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगी कि अगर हम कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन में से जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है, और अगर हम शेप की बात करें तो जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू रिंकल्ड। और ये रिजल्ट्स मतलब उसने इंडिविजुअली करके देखे, एक बार उसने सिर्फ कलर वाले करेक्टर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और एक बार उसने सिर्फ शेप वाले करेक्टर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। तो दोनों क्रॉसेज में उसको जो रिजल्ट मिला उससे उसने ये फाइंड आउट किया कि येलो कलर और राउंड शेप डोमिनेंट करेक्टर्स हैं, ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप जो है वो रिसेसिव करेक्टर्स है। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों करेक्टर्स को एक साथ एक ही प्लांट में लूं और उसके बाद क्रॉसिंग करवा कर देखूं। तो वहां से उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस क्रॉसिंग ऑफ अ प्लांट इन विच टू जीन्स कैन बी इनहेरिटेड वन एट अ टाइम, उसको उसने करके देखा। तो यहाँ पर जो सिम्बल्स यूज किए गए वो थे, क्या थे, क्योंकि येलो कलर डोमिनेंट है तो येलो कलर को कैपिटल वाई से लिया गया, और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है तो उसको स्मॉल वाई से लिया गया। सिमिलरली जो राउंड शेप थी उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, और जो रिंकल शेप थी उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। तो आप ये कह सकते हो कि जो उसने पेरेंट्स लिए थे उसमें कैपिटल आर आर वाई वाई ये तो जीनोटाइप था डोमिनेंट वाले प्लांट्स का, और स्मॉल आर आर वाई वाई ये जीनोटाइप था रिसेसिव वाले प्लांट्स का। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया तो कैपिटल आर वाई दोनों की तरफ से गए और वहां से स्मॉल आर और स्मॉल वाई गए। तो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड बनी वो थी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इन्हीं F1 प्लांट्स की जब आपस में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या सेल्फ ब्रीडिंग करवाई गई तो वहां पर भी सेम वही 3:1 का रेशो मिला। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही देखा कि जिस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता था सेम वैसे ही जो येलो और ग्रीन कलर था वो सेग्रीगेट हो गया 3:1 की रेशियो में, और जो राउंड और रिंकल्ड कलर था वो भी सेग्रीगेट सेपरेट हो गया 3:1 की रेशियो में। और जब इन दोनों को कंबाइन करके देखा गया तो वहां पर जो उसको रेशियो मिली थी, जो फिनोटिपिक रेशियो थी, मतलब जो कलर या शेप को ऑब्जर्व करके जो रेशियो फाइंड आउट की गई थी, दैट वॉज 9:3:3:1। यहाँ पर जो 9 और 1 है ये तो मिले थे एज इट इज जैसे पेरेंट लिया था, जैसे राउंड और येलो भी पेरेंट था और रिंकल और ग्रीन भी था, और जो बाकी के 3 थे ये न्यू कॉम्बिनेशन मिले थे जिसमें एक डोमिनेंट करेक्टर था और एक रिसेसिव। जैसे राउंड जो है वो डोमिनेंट था बट ग्रीन रिसेसिव था, इसी तरह से रिंकल जो है वो रिसेसिव था बट येलो जो है वो डोमिनेंट था। तो यहां से जो उनको रेशो मिला वो मिला 9:3:3:1। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो राउंड और येलो प्लांट्स थे वो आर आर वाई वाई थे, और रिंकल ग्रीन थे वो आर आर वाई वाई थे। ठीक है, इन दोनों में से कैपिटल आर वाई और इसमें से स्मॉल आर वाई आया, तो F1 जनरेशन में ये हमारे को मिला। फिर इसकी सेल्फिंग कराई गई। तो यहाँ पर अगर हम पुनेट स्क्वायर में देखें तो 4 टाइप के गेमिट्स बन सकते हैं। 2 गेमिट्स वो बनेंगे जिसमें आर कैपिटल होगा, 2 गेमिट्स वो होंगे जिसमें आर स्मॉल होगा, इसी तरह से 2 गेमिट्स वो होंगे जिसमें वाई कैपिटल होगा, और 2 गेमिट्स वो होंगे जिसमें वाई स्मॉल होगा। तो जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो ये सारे हमें कॉम्बिनेशन मिले। तो यहाँ पर आप कलर और शेप देख के आइडिया लगा सकते हो कि जो राउंड शेप वाले हैं अगर आप वो काउंट करो तो वो 9 थे जो राउंड भी थे और येलो भी थे। उसके बाद जो राउंड थे बट जिनका कलर ग्रीन था वो 3 थे, इसी तरह से जो रिंकल्ड येलो था वो भी 3 थे, और जो रिंकल्ड ग्रीन था वो 1 था। यानी कि जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो तो 9 और 1 की रेशो में मिले, और जो न्यू कॉम्बिनेशन थे वो 3:3 मिले। तो इट मीन्स अगर टोटल 16 प्लांट्स थे तो 16 में से
आप ये कह सकते हो कि 10 प्लांट तो वही मिले जो पेरेंट्स में थे, लेकिन 6 प्लांट्स यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन में बन गए थे। तो यहाँ से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। एक बार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताने से पहले मैं आपको पहले दो लॉज रिवाइज करवा देती हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लांट में अगर एक जीन है और वो जीन किसी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए कोड कर रही है, तो उस जीन के दो आप कह सकते हो रूप होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एलील्स, और उन एलील्स में से एक एलील डोमिनेंट करेक्टर को कोड करता है और एक रिसेसिव को। तो जो डोमिनेंट वाला करेक्टर है वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर और नॉट रिसेसिव जो है उसके सामने प्रेजेंट है या नहीं है। बट जो रिसेसिव करेक्टर है वो अपने आप को केवल तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब वहां पे डोमिनेंट करेक्टर अवेलेबल ना हो। तो वहां पे जो रेशियो मिली थी दैट वॉज 3:1, जिसमें हमने बेसिकली टाल और ड्वार्फ प्लांट वाला एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब आपको पता है सेपरेट होना। तो सेग्रीगेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कैपिटल टी एक प्लांट है तो जिस टाइम वो गेमीट्स बनाएगा तो इन दोनों में से एक ही एलील आगे जाएगा, मतलब वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, कभी भी दोनों एलील्स एक साथ नहीं जाते, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि ये क्लास है, ये चाहे आप अपना एग्जांपल ले लो कि मान लो आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हो, ए एंड बी, मान लो दो लड़कियां हैं, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसी तरह से सी और डी भी दो गर्ल्स हैं, वो भी काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। तो ए और बी मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठी रहती हैं, सी और डी मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठी रहती हैं। बट अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, कोई एग्जाम आ जाए या कुछ ऐसा भी हो जाए, तो ए और बी दोनों फ्री हैं कि वो चाहे तो ए सी के साथ भी जा सकती है या जो बी है वो डी के साथ भी जा सकती है। मतलब उन्होंने एक दूसरे को बाउंड नहीं कर रखा, कंपल्सरी नहीं कर रखा कि तुमने हमेशा मेरे साथ ही बैठना है। तो वही चीज यहाँ पर आती है कि जैसे हमने बात करी थी कि जो हमारा पेरेंट है वो राउंड और येल्लो था और रिंकल्ड और ग्रीन था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड और येल्लो चिपक गए हैं कि मतलब राउंड के साथ हमेशा येल्लो ही जाएगा। राउंड और येल्लो और रिंकल्ड और ग्रीन ये सब फ्री हैं, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है कि ये जैसे मर्जी जाए असॉर्ट होकर अलग अलग ग्रुप में पेयरिंग करके जा सकते हैं। मतलब कि जैसे राउंड एक शेप है, रिंकल्ड एक शेप है, तो राउंड शेप जो है वो चाहे तो येलो कलर के साथ भी जा सकते हैं, ग्रीन के साथ भी जा सकते हैं। इसी तरह से रिंकल्ड है वो भी एक शेप है, वो चाहे येलो के साथ भी जा सकते हैं, रिंकल्ड के साथ भी जा सकती है। इसी वजह से हमें यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन तो वही मिले थे जो पेरेंट्स के थे और दो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ न्यू मिले थे। तो इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर ट्रेट्स के दो पेयर्स हैं और हाइब्रिड में वो दोनों कंबाइन होते हैं, तो एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन की इंडिपेंडेंट है। मतलब एक पेयर अगर अलग अलग हो रहा है और दूसरा पेयर अलग अलग हो रहा है तो वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है। तो पुनेट स्क्वायर से भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हुई है मियोसिस के दौरान या एग्जोर पोलन बनाने के दौरान। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपको पता है एक पेयर था जिसमें जीन्स थे कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो 50% गेमीट्स होंगे जिनके पास कैपिटल आर आएगा, 50% गेमीट्स आएंगे जिनके पास स्मॉल आर होगा। इसी अलावा जो वाई और वाई है उसमें भी सेम यही है, 50% गेमीट्स में कैपिटल वाई जाएगा और 50% में स्मॉल वाई जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आर की सेग्रीगेशन और वाई की सेग्रीगेशन आपस में रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है कि अपने आप ऑटोमेटिकली गैमीट्स में उनमें से कोई सा भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमें 4 जीनोटाइप्स मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 25% रहती है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो हमारे को फिनोटिपिक रेशो मिली दैट इज 9:3:1, लेकिन यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशो है वो डिफरेंट होगी। जीनोटिपिक रेशो निकालने के लिए आपको इस ग्राफ के अंदर जितने भी अलग अलग जीनोटाइप्स दिए हैं आपको ये सब लिखने पड़ेंगे, और वो काफी बड़ी आती है तो ऐसा वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। मेनली जो आपसे पूछी जाती है वो है फिनोटिपिक रेशो।